हेलो एवरीवन हमारा टॉपिक चल रहा था बैंक ऑडिट का और इसमें दो टॉपिक हैं जो हमने कवरअप किए थे पहला टॉपिक लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का और सेकंड वन कंडक्टिंग द बैंक ऑडिट आज हम इस सेशन में कवरअप करेंगे डिफरेंट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स को इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स वैसे तो बहुत सारे हैं स्टडी मटीरियल के अंदर बट नोट्स में मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स को कवरअप किया है स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक है जनरल कंट्रोल्स बैंकिंग सिस्टम के अंदर कुछ जनरल कंट्रोल्स जो रिक्वायर्ड हैं वो यहां पर कवरअप किए गए हैं जैसे जो स्टाफ एंड ऑफिसर्स हैं बैंक के उनको फ्रीक्वेंट बेसिस पर बिना किसी प्रायर नोटिस के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट करते रहना चाहिए कि एक एक लोन में में है उसको में है उसको उसको अकाउंट अकाउंट शिफ्ट कर कर दो सेविंग हैंडल रहा करंट अकाउंट में शिफ्ट कर दो सेकंड वन वर्क ऑफ वन पर्सन इट शुड बी चेक्ड बाय द अनदर पर्सन ऑन अ रेगुलर बेसिस जो इंटरनल चेक के अंदर जनरली होता है थर्ड वन जो ब्लैंक डिमांड ड्राफ्ट्स हैं, चेक बुक्स हैं उनका पोजेशन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास होना चाहिए सिग्नेचर बुक्स स्टाफ मेंबर्स की दैट शुड बी केप्ट विदिबल ऑफिसर जो सिग्नेचर बुक्स हैं एक तो जो बैंक के एम्प्लॉज हैं, लाइक ड्राफ्ट्स के ऊपर वो सिग्नेचर करते हैं तो ड्राफ्ट जब पेइंग बैंक ब्रांच में जाता है तो सिग्नेचर को मैच करने के लिए एक सिग्नेचर बुक तैयार की जाती है तो जो सिग्नेचर बुक है दैट शुड बी कैप्ट इन द कस्टडी ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिस द बैंक शुड टेक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अगेंस्ट द लॉस एंड द एम्प्लॉय इनफिडिलिटी, डिसऑनेस्टी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर शुड बी क्लियरली ड्रॉन एंड राइट्स एंड ड्यूटीज शुड बी प्रॉपरली अंडरस्टूड ब्रांच मैनेजर्स की क्या पावर है रीजनल ऑफिस के अंदर जो मैनेजर्स हैं उनकी क्या पावर है वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए तो ये तो जनरल कंट्रोल्स की छोटी छोटी बातें थी फोर मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है किसी भी जनरल कंट्रोल पर जनरली जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो लोन एंड एडवांस का आया हुआ है क्रेडिट कार्ड का आया हुआ है एंड डिमांड ड्राफ्ट्स के आए हुए हैं डिमांड ड्राफ्ट की बात कर लेते हैं सिग्नेचर्स डिमांड ड्राफ्ट शुड बी चेकड बाई एन ऑफिसर विद द सिग्नेचर बुक जैसे ब्रांच वन ने डिमांड ड्राफ्ट इशू किया पेबल एक्ट ब्रांच टू ब्रांच वन जिसने इशू किया इसके मैनेजर ने साइन किया तो ब्रांच टू का मैनेजर जब इस ड्राफ्ट की पेमेंट करेगा पेई को तो एट दैट टाइम वो सिग्नेचर मैच करेगा जिस ब्रांच से ये हुआ है उसके मैनेजर की नंबर दो ऑल द डिमांड ड्राफ्ट बाय ब्रांच शुड बी इमीडिएटली कंफर्मड बाय द एडवाइज टू द पेइंग ब्रांच जिसने ब्रांच वन ने डीडी डी इशू किया वो इमीडिएट रेगुलर बेसिस पर एडवाइस इशू करेगा किसको बी को हमने इतने अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट यह उसका नंबर है इस डेट को इश्यू किया है इन फेवर ऑफ दिस ताकि ब्रांच उसकी पेमेंट कर सके थर्ड वन यदि पेइंग ब्रांच को प्रॉपर कंफर्मेशन ऑफ एनी डीडी नहीं रिसीव्ड होता है फ्रॉम द इशूइंग ब्रांच और ब्रांच टू ने यदि पेमेंट कर दी उस डीडी की तो ब्रांच वन से जो पैसा मिलना है क्योंकि पैसा किसने कलेक्ट किया था ब्रांच वन इसने पैसा कलेक्ट किया और डीडी डी इशू कर दिया ब्रांच टू ब्रांच वन से पैसा लेगी और पे के अकाउंट में पे करेगी अब कई बार क्या होता है पे का अकाउंट में तो पे हो गया बट ब्रांच वन से पैसा नहीं आया देन जो पेइंग ब्रांच है वो इशूइंग ब्रांच से कोऑर्डिनेट करेगी इमीडिएट स्टेप्स लेगी टू असर्टेन द रीजन कि आपने हमें अब तक कंफर्मेशन क्यों नहीं भेजी या अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट क्यों नहीं किया ये हो गए हमारे दो टॉपिक अबाउट जनरल कंट्रोल एंड द डिमांड ड्राफ्ट अब बात कर लेते हैं आगे बिल्स फॉर कलेक्शन एंड बिल्स परचेज की बिल्स फॉर कलेक्शन जैसे मैं इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं वैसे तो इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं बट मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं बिल ऑफ एक्सचेंज का आप सबने पढ़ भी रखा होगा बेसिक अकाउंटिंग के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि एक पर्सन ने बिल बनाया दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद यह बिल वापस दे दिया इसको नौ अब जब इस बिल की मैच्योरिटी डेट आ जाती है तो इस बिल की कलेक्शन के लिए बैंक को इन्वॉल्व कर लिया जाता है बीच में तो कई बार जो बैंक्स के पास बिल्स आते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन आते हैं और क्या इन्हीं बिल्स की डिस्काउंटिंग भी होती है क्योंकि बिल उसकी मेचोरिटी डेट तीन महीने के बाद चार महीने के बाद पांच महीने के बाद जो भी एक पीरियड के लिए बिल को बनाया गया था तो ऐसी सिचुएशन में बिल की डिस्काउंटिंग भी होती है तो बैंक इसमें अपना इंटरेस्ट चार्ज करके जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो पार्टी को पे कर देता है तो उनको बोलते हैं बिल्स परचेज और यदि बिल अपनी मेचोरिटी पर सिर्फ कलेक्शन के लिए आता है उनको बोला जाता है बिल्स फॉर कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स ए द बिल दे शुड बी रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल शुड बी क्रेडिटेड ओनली आफ्टर व्हेन द बिल अमाउंट इज रियलाइज एनश्योर दैट बिल जो एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को भेजे हैं कलेक्शन के लिए वो एक ऑफ बैलेंस शीट आइटम है आप उसको दो बार बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर ना करें बिल्स परचेज जो डिस्काउंटिंग के लिए बिल्स आए हैं वेरीफाई दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल दे आर प्रॉपरली असाइंड टू द बैंक ये इंपॉर्टेंट है जो बिल है आपने उसकी डिस्काउंटिंग करा ली लेटर ऑन स्टेज पर आप उस अमाउंट को कलेक्ट करने जाएंगे यदि वो कलेक्ट नहीं हुआ मान लो एक्स ने बिल बनाया वाई के ऊपर वाई ने एक्सेप्ट कर लिया एक्स ने उस बिल की डिस्काउंटिंग करा ली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक्स को पेमेंट कर दी जब मेच्योरिटी आएगी तो मेच्योरिटी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किससे पैसे मांगेगा वाई से पैसे मांगेगा वाई ने पैसे नहीं दिए तो ये पैसे किससे क्लेम किए जाएंगे एक्स से क्लेम किए जाएंगे और यदि एक्स ट्रेस एबल नहीं है तो एसबीआई के ऊपर कोर्ट में स्यू करेगा तो स्यू करने के लिए आपका टाइटल तो होना चाहिए ना तो इस रेफरेंस में आपको चेक करना है कि जो बिल्स बैंक ने परचेज किए हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्रांसेक्शन हुई थी उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका टाइटल बैंक की फेवर में प्रॉपरली असाइन किया गया है सफिशियंट मार्जिन शुड बी क्या हंड्रेड परसेंट अमाउंट की डिस्काउंटिंग नहीं होती सो एज टू कवर द डिस्काउंट और यदि कुछ डिले होता है तो उसके लिए एक मार्जिन रखा जाता है नाइंटी परसेंट पर डिस्काउंटिंग हो जाती है एट्टी परसेंट अमाउंट को डिस्काउंट किया जाता है बिल मेच्योर हो गया उसके बाद भी पेमेंट नहीं आई इेगुलर आउटस्टैंडिंग अकाउंट शुड बी पीरियोडिकली रिपोर्टेड टू द हेड ऑफिस ट इनकम शुड बी रिकॉगनाइज बिटवीन दीरियड मान लीजिए एक बिल फर्स्ट ऑफ इसको डिस्काउंट कराया गया और इसकी मेचोरिटी है तीस अप्रैल की बैंक क्या करेगा तीन महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा फेब्री मार्च अप्रैल का बट फेब्री मार्च एक फाइनेंशियल ईयर में है और अप्रैल अनदर फाइनेंशियल ईयर में है तो अकॉर्डिंगली इनकम की रेकोगनेशन है तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द बिल्स परचेज नाउ अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की और वो है एक लोन एंड एडवांस का और दूसरा क्रेडिट कार्ड्स का लोन एंड एडवांस इसमें किन किन इंटरनल कंट्रोल्स प्रोसीजर्स का होना जरूरी है नंबर वन क्या बैंक लोन ग्रांट करने से पहले एप्लीकेंट की क्रेडिट वर्थ को इवालुएट करता है क्या इस पर्सन को लोन ग्रांट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए नंबर दो जिस पर्सन ने बैंक में जिस अथॉरिटी ने लोन सेंक्शन किया क्या उस पर्सन की पावर में यह सेंक्शनिंग थी या नहीं थी वेदर द लोन इज सेंशन बाय द प्रॉपर अथॉरिटी और नोट जब लोन सेंक्शन हुआ और उसके बाद लोन डिसबर्स्ड हुआ क्या अप्रोप्रिएट लोन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराए गए पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कराई गई और जो भी लोन डॉक्यूमेंट्स हैं हाइपोथिकेशन लेटर है जो भी मोर्टगेज डीड है क्या वो सारे अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स उनको एग्जीक्यूट किया गया था कीपिंग सफिशियंट मार्जिन लोन लिया गया है दिया गया है बैंक की तरफ से दस लाख का तो क्या बैंक को दस लाख की ही सिक्योरिटी लेनी चाहिए या दस लाख से ज्यादा की बैंक सिक्योरिटी डिमांड करता है पंद्रह लाख की डिमांड करता है बीस लाख की डिमांड करता है पच्चीस लाख की ये डिपेंड करता है सिक्योरिटी की नेचर क्या है मान लीजिए ये शेयर्स शेयर्स हैं के ऊपर जनरली फिफ्टी परसेंट तक का लोन होता है फिफ्टी परसेंट का मार्जिन रखा जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी है लैंड बिल्डिंग उसमें एट्टी परसेंट तक का लोन हो जाता है ट्वेंटी परसेंट का मार्जिन आता है इन्वेंट्री है उसके अंदर भी एटी ट्वेंटी का आस्पेक्ट चलता है और बैंक टू बैंक ये मार्जिन डिफर करते हैं तो हर एक बैंक की ये एक कोशिश होनी चाहिए कि लोन ग्रांट करते वक्त एक सफिशियंट मार्जिन रखा जाए सेफ कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड। मान लीजिए लोन दिया गया है गोल्ड के अगेंस्ट ज्वेलरी के अगेंस्ट देन जो ज्वेलरी है या फिर लोन दिया गया है एफडी के अगेंस्ट एफडी की रिसीट है लोन दिया गया है इमुबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट तो जो उसके पेपर हैं दे शुड बी केप्ट इन द सेफ कस्टडी जिस सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन दिया गया है उस सिक्योरिटी पर बैंक का चार्ज रजिस्टर्ड कराया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस इन फेवर ऑफ बैंक इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑन रेगुलर बेसिस ये रिक्वायर्ड होगा केस यदि सिक्योरिटीज इन्वेंट्री की नेचर में है बट यदि सिक्योरिटी मान लीजिए ज्वेलरी है वो तो बैंक ने अपने पास रख ली गोल्ड के अगेंस्ट लोन था उसमें क्या इंस्पेक्शन करोगे बट यदि जो लोन ग्रांट किया गया है वो इन्वेंट्री के स्टॉक के अगेंस्ट किया गया है तो स्टॉक की रेगुलर इंस्पेक्शन जो स्टॉक ऑडिट्स होती हैं वो करवाई जाए जो सिक्योरिटीज हैं उनकी मार्केट वैल्यू को अप्रोप्रिएटली डिटरमाइन कराया गया था एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग पावर विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स जनरली एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ द कैश क्रेडिट लिमिट और द ओडी लिमिट्स लिमिट वेन एवर द लोन इज इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट और ओवर ड्राफ्ट देन ड्रॉइंग पावर इज कैलकुलेटेड से फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इट इज एटी लैक्स देन डी पी विल बी इक्वल टू सिक्सटी परसेंट ऑफ एटी लैक्स सेवेंटी परसेंट एज द केस में भी दिस परसेंटेज इज डिटर इफ इन द नेक्स्ट मंथ जो इन्वेंट्री है इसकी वैल्यू सेवेंटी लैख पर आ जाती है इन दैट केस ड्रॉइंग पावर सेवेंटी का सिक्सटी परसेंट फोर्टी टू लैख पर आ जाएगी सो so जो ड्रॉइंग पावर है इनकेस ऑफ द वर्किंग कैपिटल लिमिट लाइक कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट इनको जैसे जैसे सिक्योरिटीज की वैल्यू चेंज होती है वैसे वैसे ड्रॉइंग पावर की भी एडजस्टमेंट होनी चाहिए रिपोर्टिंग ऑफ इरेगुलर अकाउंट जिन अकाउंट में रेगुलर इनफ्लोज नहीं आ रहे जो अकाउंट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं उनकी रेगुलर रिपोर्टिंग हेड ऑफिस को होनी चाहिए रिव्यू ऑफ अकाउंट्स ऑन टाइमली बेसिस रिन्यूअल पर्पज के लिए अकाउंट्स को जो बड़े अकाउंट है सिक्स मंथ्स पर आप रिव्यू कर सकते हैं या वन ईयर पर वन ईयर पर तो जनरली काफ़ी अकाउंट्स रिव्यू किए जाते हैं और जो छोटे छोटे अकाउंट होते हैं उस केस में बहुत एक्सेप्शनल केसेस में पॉलिसी में टू ईयर्स में एक बार का रिव्यू होता है ये बैंक की अपनी पॉलिसी होती है कि हमें किस अकाउंट को का जो रिव्यू है वो किस फ्रीक्वेंसी पर किस पीरियोडिसिटी के ऊपर करना है तो ये हमारे पॉइंट्स हैं इन रिलेशन टू लोन्स एंड एडवांसेस तो फोर मार्क्स का क्वेश्चन यदि आ जाता है तो एट पॉइंट्स आप यहां पर इस टॉपिक के रेफर करेंगे नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस फर्स्ट पॉइंट इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट क्रेडिट कार्ड अलॉट या इश्यू करने से पहले एप्लीकेंट की इफेक्टिव स्क्रीनिंग उसकी क्रेडिट वर्थ को चेक किया जाता है नंबर दो जो कार्ड्स हैं उनका स्टोरेज इश्यूज स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंदर होता है सेटलमेंट यह आज की डेट में क्योंकि सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम कोर बैंकिंग से जुड़ा हुआ है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो यदि कहीं पर भी कार्ड को स्वैप किया जाता है देन उसी टाइम पर चेक कर लिया जाता है कि वेदर द कार्ड होल्डर जिस परचेज को कर रहा है या जिस अमाउंट की पेमेंट कर रहा है क्या उतनी उसके कार्ड में लिमिट का बैलेंस बचा भी हुआ है या नहीं बचा हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग बाय द मर्चेंट्स ऑफ ऑल सेटलमेंट्स एक्सेप्टेड जो भी पेमेंट्स रिसीव्ड हुई हैं कार्ड के थ्रू उनकी इमीडिएट एक्नोलिजमेंट कार्ड होल्डर को भी मिलती है और जिसने पेमेंट एक्सेप्ट की उसके पास भी मैसेजेस आते हैं। टू मर्चेंट्स ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस ऑफ कार्ड से फॉर एग्जाम्पल कि हमने क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल डलवाया डीजल डलवाया तो क्या उस कार्ड को अप्रोप्रिएटली वेरीफाई किया गया है अब वैसे तो इस चीज को कौन चेक करेगा कि कार्ड को चेक किया गया उसके ऊपर साइन चेक किए गए कार्ड की बैक पर देखे तो एक प्लेस होता है सिग्नेचर का बट मैंने भी आज तक तो कभी नहीं देखा कि उस सिग्नेचर को कोई चेक करता है। so, ये जनरल हम मानकर चलते हैं कि यदि कार्ड स्वैप हो रहा है एक्सेप्ट हो रहा है स्वैप मशीन के अंदर तो दैट वो जेनवन ही है रिमबर्समेंट शुड बी इमीडिएटली चार्ज टू द कस्टमर अकाउंट लाइक कि मैंने क्रेडिट कार्ड से फ्यूल डलवाया अब मेरा अकाउंट डेबिट होगा और मर्चेंट को बैंक ने पैसे देने हैं तो जितना भी अमाउंट बैंक ने मर्चेंट को दिया है उतना अमाउंट मेरे अकाउंट में डेबिट होना चाहिए इमीडिएट बेसिस पर एग्जिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम टू एंश्योर दैट स्टेटमेंट्स आर सेंट रेगुलरली एंड प्रॉम्प्टली टू द कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स उसका अपना एक पीरियड होता है एवरी मंथ एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड होती है इस डेट को स्टेटमेंट जनरेट हो जाती है और कस्टमर के पास पहुंच जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम टू मॉनिटर एंड फॉलो अप द कस्टमर पेमेंट जो ड्यू डेट है उससे पहले ही मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि आपकी ड्यू डेट आ रही है पे कर दो एंड इफ पेड इग्नोर इट आइडेंटिफाइंग द आइटम्स ओवर ड्यू अ रीजनेबल पीरियड कि यदि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो ड्यू पेमेंट है उसको टाइमली पे नहीं किया गया देन आइडेंटिफाई कि किन अकाउंट्स में ओवरड्यू चल रहे हैं और उनके पीछे क्या कारण है और उनका रेगुलर फॉलोअप करना एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम फॉर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स अकाउंट सो ये हमारे इंटरनल कंट्रोल के वेरिफिकेशन पॉइंट है जनरल कंट्रोल्स डिमांड ड्राफ्ट बिल्स परचेज लोन एडवांस क्रेडिट कार्ड इंपॉर्टेंट इसमें से मेन क्रेडिट कार्ड का सबसे ज्यादा है बट डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में और लोन्स एंड एडवांस पर भी आया हुआ है बिल्स परचेज पर आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ नहीं है बट uh, पूछा जा सकता है सो so, यह टॉपिक था हमारा इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स का आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और इसके अंदर तीन टॉपिक है जो हमें कवरअप करने हैं नंबर एक जो ऑडिट प्रोसीजर है उसके डिफरेंट स्टेप्स नंबर दो पर स्पेशल पर्पस सर्टिफिकेट एंड नंबर तीन पर इनकम रेकोगेशन नॉर्म्स इन्वेस्टमेंट्स की वेरिफिकेशन कि इन जनरल क्या क्या पॉइंट हैं बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट है पहला पॉइंट इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएशन टू एंश्योर दैट इंटरनल कंट्रोल इज बींग इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज मेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द आरबीआई गाइडलाइंस और जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है बैंक की दैट इज ऑल्सो इन कंफर्मेशन विद द आरबीआई गाइडलाइंस सिंपल है तो ये तो चीजें एक ऑडिटर को हमेशा चेक करनी ही है कि जो इंटरनल कंट्रोल की आस्पेक्ट हैं क्या वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुरूप बनाए गए हैं और जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो भी आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार बनाई गई है सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट फंक्शन दो एस्पेक्ट में हो सकता है एक तो जो बैंक का अपना ओन सरप्लस है उसकी इन्वेस्टमेंट और दूसरा बैंक के क्लाइंट्स की पैसे की इन्वेस्टमेंट जब बैंक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेस रेंडर करता है इन्वेस्टमेंट्स आर बीइंग मेड ऑन बिहाफ ऑफ़ द क्लाइंट्स। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को सेपरेट करने की जरूरत है फ्रॉम द पीएमएस क्लाइंट अकाउंट एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर इन्वेस्टमेंट अंडर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटेड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर और इसके ऊपर स्पेशल परपज सर्टिफिकेट भी इशू किए जाते हैं बाय द सेंट्रल स्टेट्यूटरी ऑडिटर ये टॉपिक साथ में आपका ये रहा स्पेशल परपज सर्टिफिकेट्स का सेंट्रल ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू इशू द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स सर्टिफिकेट नंबर वन सर्टिफिकेट ऑन रिकंसिलिएशन ऑफ सिक्योरिटीज बाय द बैंक बोथ अपनी इन्वेस्टमेंट की और क्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स की एंड सर्टिफिकेट वेदर द प्रुडेंशियल नॉर्म्स प्रोडेंशियल गाइडलाइंस इन रिलेशन टू द इन्वेस्टमेंट्स आर बीइंग बींग्लाइड विद बाय द बैंक और नॉट सर्टिफिकेट ऑन कंप्लायस बाय द बैंक इन की एरियाज ऑफ प्रुडेंशियल एंड अदर गाइडलाइंस रिलेटिंग टू सच ट्रांसैक्शंस इशूड बाय द आर फोर मार्क्स का इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है कि वट आर द टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स टू बी इशूड बाय द सेंट्रल स्टेट्यूटरी ऑडिटर इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट्स. तो इसमें दो तरह के सर्टिफिकेट हैं एक तो रिकन्सिलेशन ऑफ सिक्योरिटीज का और ये जो रिकन्सिलियशन है ये बैंक की ओन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम जो पी एम एस क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट है दोनों की रिकंसिलियशन का सर्टिफिकेट देना है इसके साथ दूसरा सर्टिफिकेट है कंप्लायंस का क्या बैंक ने प्रोडेंशियल नॉम्स इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट जो आर बी आई ने इश्यू कर रखे हैं क्या उनकी कंप्लायंस की है या नहीं की है थर्ड वन examination of reconciliation examine the reconciliation of the investment account opening balance during the year jo purchases hui during the year jo sale hui and closing balance examination of documents ensure that investments are made within the powers of appropriate authorities and necessary supporting documents are being available for examination purpose physical verification investments wherever made physically wherever physical securities are available then investments to be verified physically as on the balance sheet date however sometimes it happens that investments are in dmat form in that case appropriate external confirmation certificates are to be obtained sometimes it happens that the investments are being deposited with some custodian in that case also external confirmation certificates needs to be obtained physical verification should be carried out on the balance sheet date in exceptional case physical verification if not carried out on the balance sheet date then it should be carried out as near to the balance sheet date as possible and thereafter a reconciliation statement needs to be prepared in case of scriptless dealing, that is DMET, verify the year end confirmations of the depositories. Next one valuation whether the investments are being appropriately valued, and for that purpose, we need to examine the methods of accounting whether the methods of accounting are appropriate, and if appropriate, whether they are being consistently followed or not. Method of accounting. Including year-end valuation is appropriate. If the methods are not appropriate, then consider the effect of adoption of such policy on the financial statements. Seventh one, dealing in securities on behalf of bank, on behalf of other. Sorry, if the bank deals in securities on behalf of other, that is portfolio management system in that case we need to examine whether the income from such activities are recorded fairly or not examination of classification and shifting examine whether the shifting of the investments from available for sale to held to maturity it is being duly approved by the board of directors एक प्रूडेंशियल नॉर्म्स में क्लासिफिकेशन होती है इंटरमीडिएट लेवल पर आपने पढ़ी होगी हेल्ड फॉर मेच्योरिटी अवेलेबल फॉर सेल एंड ट्रेडिंग यदि आप इन्वेस्टमेंट को अवेलेबल फॉर सेल से हेल्प टू मेच्योरिटी एच में कन्वर्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू बी अपेट सो ये हमारा टॉपिक था अबाउट द वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है हाँ स्पेशल परपज सर्टिफिकेट थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट बनता है और इनकम रिकॉगनेशन नॉर्म्स इसके ऊपर केस स्टडी बनाई जा सकती है परफॉर्मिंग इनकम टू बी रिकॉगनाइज ऑन एक बेसिस प्रोवाइडेड वी आर अवेयर विद द इंटरेस्ट रेट इफ द इंटरेस्ट रेट इज प्री डिटरमाइंड देन इन केस ऑफ परफॉर्मिंग डिटर इनकम में बी रिकोगनाइज ऑन एक बेसिस however, if the investments are being classified as non-performing investments, in case of non-performing investments, in income is to be recognized only when it is actually realized, cash basis. non-performing investments, income is to be recognized on realization basis. government guarantee. in case the investments जहां पर भी बैंक ने इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं एंड दीज सिक्योरिटीज आर बीइंग गारंटेड बाय द गवर्नमेंट देन इनकम इज टू बी रिकोगनाइज ऑन अक्रूवल बेसिस प्रोवाइडेड द इनकम द इंटरेस्ट इज बीइंग रेगुलरली डिविडेंड डिविडेंड इज टू बी रिकोगनाइज ऑन अक्रूवल बेसिस इफ राइट टू रिसीव द डिडेंट इज एस्टैब्लिस्ड इफ द राइट टू रिसीव डिविडेंट इज देन यू कैन द रिकॉन्नाइज दैन इट इज बींग डिक्लेयर यूनिट्स ऑफ फंड इनकम इज टू बी रिकॉगनाइज ऑन कैश बेसिस तो इसके ऊपर केस स्टडीज बनाई जा सकती हैं जिनको आपको ध्यान रखना है सो वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर मेन दो टॉपिक है एक स्पेशल पर्पस सर्टिफिकेट्स का और दूसरा इनकम रेकोगेशन का इनकम रेकोगेशन में परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट एक््रिवल बेस फॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट गारंटेड बाई द गवर्नमेंट देन एक डिविडेंट इनकम टू बी रिकॉगनाइज ऑन एक बेसिस इफ राइट टू रिसीव डिविडेंट इज एस्टैब्लिश यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इनकम इज टू बी रिकॉगनाइज ऑन कैश बेसिस तो यह हमारा टॉपिक था अबाउट वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट तो इस सेशन में मैंने आपको दो टॉपिक कराए हैं एक इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स का और दूसरा वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का नेक्स्ट सेशन में हम कवरअप करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस तो इस सेशन को यहीं पर मैं ओवर कर रहा हूं और नेक्स्ट सेशन में फिर हम आगे कंटिन्यू